एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। वह पेड़ फल से लदा हुआ था और बंदर उन फलों को खाकर खुश रहता था। एक दिन नदी में एक मगरमच्छ आया। वह मगरमच्छ भूखा था और उसने बंदर से कुछ फल मांगे। बंदर दयालु था, उसने खुशी खुशी मगरमच्छ को फल दिए। मगरमच्छ ने फलों का स्वाद चखा और उसे बहुत अच्छे लगे। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर अच्छे मित्र बन गए। मगरमच्छ रोज बंदर से मिलने आता और वे दोनों घंटों बातें करते और फल खाते। मगरमच्छ की पत्नी को जब इस दोस्ती के बारे में पता चला तो उसने मगरमच्छ से कहा, तुम्हारा मित्र बंदर रोज ताजे और मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा, मुझे उसका दिल खाना है। पहले तो मगरमच्छ ने मना किया, लेकिन फिर अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसने बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। एक दिन उसने बंदर से कहा, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर खाने पर बुलाया है। बंदर ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार किया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। नदी के बीच में पहुंचकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मुझे माफ करना मित्र, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। चालाक बंदर ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और बोला, ओह मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ दिया है, चलो वापस चलकर ले लेते हैं। मगरमच्छ ने उसकी बात मान ली और उसे वापस पेड़ के पास ले आया। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। उसने मगरमच्छ से कहा, तुमने अपनी मित्रता और विश्वासघात का असली चेहरा दिखा दिया। अब जाओ और अपनी पत्नी से कह दो कि मैं अब तुम्हारा मित्र नहीं हूँ।